बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में मैं आपको मिलवाऊंगा इस्लामाबाद के उस बहादुर इंसान से जिसने माजूर होने के बावजूद भी उसको अपनी मजबूरी नहीं बनाया और अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करता है। इस काम में उसकी 14 साल बेटी उसकी मदद करती है। एक टूटी फूटी व्हील चेयर पर रोज़ उसका आना जाना होता है। बाबू जी, कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं तो आप मजदूर हैं, उसके बावजूद भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। बस बच्चों को रोज़ी तो इस्लामाबाद की कौन सी जगह है ये? काम चल रहे, गुजारा हो जाता आपका? बस कितनी रोज आपकी ये भुट्टे सेल हो जाते हैं? सेल तकरीबन 15-18 सौ हो जाते हैं। हमारी इसमें बचत 400-500 400-500 डेली की आपकी बचत हो जाती है। कभी 400 होते, कभी 300। रोज आप इस व्हील चेयर पे आते हैं डेली? इस व्हील चेयर पे आते हैं, व्हील चेयर पे जाता हूँ। जाते कैसे आप? तो आपके इस रेडी लगाने में कौन मदद करता है आपकी? मदद कौन करता है आपकी? बस ये अल्लाह करता है, बस कोई ना कोई आता है। बस लेके कौन आता है आपको? बच्ची, बच्चा। वो बेटी है इनकी, आई हुई है। ये बेटी इनकी आती है, छोड़ी मैंने बहुत दफा देखा। कई मजदूर आदमी का हकदार है, कोई भी मदद करे बहुत अच्छी बात है। आप PWD से आते हैं तो छली खाने के बाद हमें तो ऐसे लोगों से ना चाहते हो भी कुछ चीज़ खरीद लेनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने मजदूरी होने के बावजूद भी कोई ऐसे पेशा अख्तियार नहीं किया जैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इसीलिए इनके पास भी नहीं होती और लोग भीख मांग रहे होते हैं। एक तो ये हम इधर से खुद अपनी मर्जी से छली निकालते हैं, निकाल के तो बना के देते हैं, बड़ी मजेदार छली बनाते हैं ये। छोटे बच्चे इनको छोड़ने आते हैं, बल्कि शाम को लेके जाते हैं। वो भी दो आदमी, दो बच्ची दे के आते हैं, दो बच्ची दे के जाते हैं, अकेला भी नहीं कर सकते। आप उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहते हैं जो मजदूर भी नहीं है और भीख भी मांगते हैं? तो हम क्या बोलेगा, अपना हिम्मत अच्छे से जो करते हैं वो सबसे बेहतर है, मांगने से वो बेहतर है। जब मैं करता हूँ बस ये अल्हम्दुलिल्लाह। और मजदूर कितने अरसे से हैं आप? ये तकरीबन ज्यादा ये 15 साल हो गए ज्यादा मजदूर। कमर पे चोट लग के फिर दो बार पालक हो, एक बार हार्ट अटैक हुआ जिनका। इस्लामाबाद का मेन एक्सप्रेस हाईवे है कुराल चौक, और कुराल चौक के बिल्कुल साथ ही ये बाबा जी यहाँ पे बैठते हैं। तो हमें ना चाहते हुए भी इनसे कुछ ना कुछ खरीद लेना चाहिए ताकि उनकी मदद हो सके।